कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी, उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था, तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पर फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह हैं। इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। इसमें अब 5 से ज़्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता। पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ उत्तरकाशी जनपद में कायम है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारी मदद करें।